टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। ये मारुति सुजुकी आर्टिका है डीजल, तो इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि उसका जो एयरबैग का लाइट है वो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यूसली ऑन रहता है, तो उसके ऊपर अपन काम करेंगे, फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो आपको मैं उसका लाइव फॉल्ट दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो एयरबैग का जो साइन है ये कंटिन्यूसली ऑन है। तो जब भी ये ऑन हो जाता है तो फिर अपना एयरबैग काम नहीं करता है जब भी एक्सीडेंट कंडीशन में, तो उसको लाइट को अपन उसका प्रॉब्लम अपन क्लियर करेंगे, क्योंकि जब भी लाइट कंटिन्यूसली ऑन रहता है तो एयरबैग एक्टिवेट नहीं होता है। जब भी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या तो एयरबैग जब भी खुलता है तो वो खुलता नहीं है, तो अपने को एयरबैग का काम करना है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने मेरा सेटअप लगा दिया और अपन एक्सटूल PS70 Pro स्कैनर के ऊपर स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे DLC केबल लगा दिया और स्कैन करते हैं, और उसके लिए मैं इग्निशन स्विच को ऑफ करके ऑन करूँगा। और बस स्कैन करते जाते हैं डायग्नोस में और जाएंगे इंडिया मारुति डायग्नोस्टिक इन सुजुकी न्यू मिनू जापनीज मार्केट एयरबैग। ओके, सिस्टम सिलेक्शन, वापस एयरबैग, हेड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड आ रहा है B1055 पैसेंजर सीट बेल्ट प्री टेंशनर सर्किट हाई रेजिस्टेंस, और ये फॉल्ट कोड करंट में है। तो ये बोल रहा है पैसेंजर साइड सीट बेल्ट प्री टेंशनर, तो ये अपना ये ड्राइवर साइड है और ये जो ये है ये पैसेंजर साइड है। तो ऑलरेडी उसको मैंने खोल के रख दिया, इसके अंदर रैट जो चूहा है वो घुसा था मैंने देखा, तो इसका प्री टेंशनर है। तो इसका जो टेंशनर है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब ये भी ज़्यादा लूज रहता है, रिटर्न नहीं जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आता है, तो ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो अभी अपन डायरेक्ट फॉल्ट की तरफ दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसके लिए है ना, यहाँ पे इसका प्री टेंशनर का ये उसका यहाँ पे सॉकेट है और यहाँ पे मैंने खोल दिया, तो यहाँ पे चूहे ने यहाँ पे वायर खाया है। तो फॉल्ट को मैंने ट्रेस किया था ऑलरेडी, लेकिन आपको दिखाने के लिए, तो ये प्री टेंशनर का ये सॉकेट है और ये इसका जो येलो कलर का साइन रहता है ये जो SRS बोलते हैं एयरबैग का, तो ये एयरबैग का ये जो येलो कलर का है यहाँ पे भी येलो कलर आएगा और एयरबैग मॉड्यूल रहता है उस पर भी येलो कलर का साइन मतलब स्ट्रिप रहता है, तो इससे अपन पहचान सकते हैं कि एयरबैग का है वायर। तो इसको अपन एक बार उसको जॉइंट मारता हूँ और उसके बाद देखेंगे कि ये फॉल्ट कोड क्लियर हो रहा है क्या, और उसके लिए मैं बैटरी वायर उतारूँगा 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसको रिपेयर करूँगा। पैसेंजर साइड है तो फाइनली मैंने वो रिपेयर कर दिया जो वायर खाया था वो प्री टेंशनर का, और इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं। तो इसका ऑन करने पे सभी लाइट आएगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सभी लाइट जाना चाहिए जो भी उसका इंडिकेशन है। तो ये अपना एयरबैग का लाइट भी चला गया, ये तो इग्निशन स्विच ऑन में ही जाता है और कुछ जो साइन है वो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जाएगा। तो गाड़ी को एक बार सेल्फ मारते हैं, तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गाड़ी अपनी स्टार्ट है और यहाँ पे उसका साइन चला गया, और स्कैनर पे देखते हैं अभी एयरबैग SRS बोलते हैं उसको, क्लिक करते हैं रेड फॉल्ट कोड, तो ये फॉल्ट कोड हिस्ट्री में चला गया B1055 सीट पैसेंजर सीट बेल्ट प्री टेंशनर सर्किट हाई रेजिस्टेंस, और ये हिस्ट्री में चला गया। तो ये अभी क्लियर भी हो जाएगा, क्लियर फॉल्ट कोड सक्सेसफुली।
रेड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड, और ये अपना गाड़ी स्टार्ट है और यहाँ पे कोई एयरबैग का साइन ऑन नहीं है, तो ये अपना प्रॉब्लम क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।